नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कहते हैं कि बाजरे की रोटी और सरसों का साग किसे पसंद नहीं है, परंतु अब राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस और मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर के बीच में इसी बाजरे को लेकर सियासी जंग शुरू है। और आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो बाजरा है काफ़ी मात्रा में पैदा होता है। राजस्थान के अंदर 1300 रुपये क्विंटल बाजरे के भाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंदर, हरियाणा की मंडियों में बाजरा 2150 रुपये क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है और सरकार उसे खरीद रही है। परंतु इस बाजरे को लेकर दो सरकारों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस, इसी बाजरे को लेकर सियासी जंग छेड़े हुए हैं। ट्विटर पर उनकी जंग जारी है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो कि प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस राजस्थान के बने हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों के तहत एक देश एक बाजार के झूठ का पर्दाफाश खुद ही भाजपा के सीएम कर रहे हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि केंद्र का यह काला कानून अपने कारोबारी मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। अन्नदाता आज सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर हैं, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा का। वहीं आपको बताते हैं कि इसके जवाब में सीएम हरियाणा खट्टर ने क्या कहा है। हरियाणा की मंडियों में बाजरा 2150 रुपये क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि राजस्थान में 1300 रुपये क्विंटल के भाव पर बाजरा बिक रहा है। ऐसे में वहाँ से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। वहाँ का बाजरा, यानी सीएम ने कहा कि राजस्थान का बाजरा हमारे हरियाणा के अंदर किसी भी सूरत में बिकने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन्हीं तीनों काले कानून को लेकर जो दिल्ली के अंदर आज वार्ता भी हो रही है और धरना प्रदर्शन सब जारी है, दिल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ है। लेकिन जो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश समझाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, एक बाजार एक देश की झूठे वादे को लाकर किसानों को समझाने का प्रयास केंद्र सरकार बीजेपी कर रही है, परंतु उन्हीं की पोल खोलते हुए कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि फिर एक देश एक बाजार जब मोदी सरकार कह रही है, तो फिर हरियाणा का सीएम राजस्थान का बाजरा खरीदने से मना कैसे कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में राजस्थान का बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जयपुर इत्यादि जिलों का बाजरा हमेशा ही राजस्थान से हरियाणा में बिकता रहा है। अगर दोनों राज्यों के बाजरे की दरों में अंतर है, तो राजस्थान का बाजरा पहले हरियाणा के अंदर जाकर बिकता रहा है, परंतु अब खट्टर सरकार ने और इस बाजरे को हरियाणा सरकार के द्वारा खरीदने से मना कर दिया है। और उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान का बाजरा हमारी सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करें। अब कांग्रेस कह रही है कि पड़ोसी राज्य है जो हरियाणा है, जानबूझकर किसानों को परेशान करने पर तुला हुआ है, जबकि मोदी तीनों जो कानून अध्यादेश लाए गए हैं उसके अनुसार देश का किसान कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र है। फिर मोदी द्वारा काले कानून के अंदर ये बात क्यों झूठ में छुपाई जा रही है, लिखी जा रही है और किसानों को परेशान करने पर मोदी सरकार तुली हुई है। ये कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी सरकारों पर आरोप लगाए हैं। जो भी हो, बाजरा चाहे कहीं का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, किसानों को तो जहां उपज का ज़्यादा मोल भाव मिले किसान वहीं बेचने के लिए जाएगा, परंतु सरकारें आपस में जंग छेड़े हुए हैं, आपस में लड़ाई किए हुए हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप सियासी जंग को चलाए हुए हैं। आखिरकार नुकसान सरकारों का नहीं है, नुकसान किसान का है। इसीलिए किसान आज सड़कों पर है और दिल्ली के अंदर जाम लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के अंदर वार्ता भी है। अब देखते हैं कि वार्ता में क्या कुछ निकल के आता है, क्या तीनों कृषि अध्यादेश वापस होते हैं, जहाँ इसी प्रकार किसानों को सड़कों पर आंदोलन करने पर बीजेपी सरकार लगाए रखती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।